कैसे श्रीलंका के हिस्से में चला गया कच्चातीवू, कच्चातीवू के साथ क्या है नेहरू और इंदिरा का कनेक्शन, पीओके अक्साईचिन के साथ कच्चातीवू को भी वापस लेगी मोदी सरकार। अक्साईचिन पीओके की तरह कच्चातीवू भी भारत का हिस्सा था जिसे कांग्रेस ने दूसरे देश को सौंप दिया। आरटीआई से हुए खुलासे के बाद पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। दरअसल तमिलनाडु में भाजपा के फायर ब्रांड नेता अन्नामलई ने आरटीआई दायर कर कच्चातीवू के बारे में सवाल किया था। आरटीआई में बताया गया कि 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडार नायके ने एक समझौता किया था। 26 जून 1974 और 28 जून 1974 को दिल्ली और कोलंबो में दोनों देशों के बीच दो दौर की बातचीत हुई और कुछ शर्तों के साथ इंदिरा सरकार ने कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए समझौता किया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस मुद्दे पर देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणियों का भी हवाला दिया गया था। बताया गया है कि नेहरू ने कहा था कि उन्हें द्वीप पर दावा छोड़ने में कोई संकोच नहीं होगा। नेहरू ने कहा था, मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता हूं और मुझे इसके लिए अपने दावों को छोड़ने में कोई संकोच नहीं होगा। नेहरू ने लिखा था कि मुझे ये पसंद नहीं है कि अनिश्चितकाल के लिए लंबित रहे और संसद में इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए। आपको बता दें कि भारत का एक लॉस्ट आइलैंड कच्चातीवू पहले रामानंद साम्राज्य का हिस्सा था। ब्रिटिश राज के दौरान ये मद्रास प्रेसिडेंसी का भी भाग रहा। आजादी के बाद सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया गया। भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच 256 एकड़ में फैला यह क्षेत्र तमिलनाडु में समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की रोजी रोटी का एक जरिया भी था, लेकिन इंदिरा सरकार के किए समझौते के बाद अब उस पर श्रीलंका का राज है। समझौते की शर्त के अनुसार भारतीय मछुआरे इस द्वीप पर मछली नहीं पकड़ सकते थे और उन्हें अपने ही देश के द्वीप पर मछली पकड़ना अवैध कर दिया गया था, जिसकी वजह से कच्चातीवू के आसपास के मछुआरों का गुजर बसर संकट में आ गया था। जो भी मछुआरा वहां मछली पकड़ने जाता उसे श्रीलंकाई कोस्ट गार्ड पकड़ कर सालों के लिए जेल में डाल देते। पिछले 20 साल में 6184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया है और इसी समय काल में 1175 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को श्रीलंका द्वारा जब्त किया गया। जब ये द्वीप श्रीलंका के पास गया उसके बाद ये मुद्दा डीएमके द्वारा उठाया गया। पार्टी के नेता इसके विरोध में उतरे, लेकिन तब पार्टी के चीफ करुणा निधि ने केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। करुणा निधि ने विदेश सचिव को आश्वासन दिया था कि वो इस मुद्दे को ज्यादा नहीं उठने देंगे और न इसे बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। करुणा निधि चाहते थे कि उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सबको समझाएं, लेकिन तब विदेश सचिव ने ये कहा था कि उनकी जानकारी के अनुसार प्रस्ताव केवल 1 या 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को ही पता था। सोचिए, जिन करुणा निधि ने इंदिरा सरकार के प्रस्ताव पर हामी भरते हुए कच्चातीवू को भारत से अलग होने दिया, आज उन्हीं के बेटे स्टालिन इस कच्चातीवू पर राजनीति कर रहे हैं और मोदी सरकार से वापस लाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अन्नामलई ने आरटीआई के जरिए कच्चातीवू का काला इतिहास जनता के सामने रख दिया कि कैसे अक्साईचिन पीओके की तरह कांग्रेस सरकार ने कच्चातीवू को भारत से अलग कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।